हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन या मोशन ऑन एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मोशन के बारे में। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बोल दो, या मोशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पार्टिकल मोशन करेगा उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मान लो हमारी एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, ओरिजिन। ये है ओरिजिन, और यहां पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इस ओरिजिन के इस पॉइंट पे, और हमारा जो पार्टिकल है इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही मोशन शो करेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना एक्स एक्सिस, इसके ऊपर ही मोशन शो करेगा, और ये जो ओरिजिन है यहां पे हमारा पार्टिकल बैठा हुआ है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को लूंगा मैं पॉजिटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को लूंगा मैं नेगेटिव। तो इस एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, इस एक्स एक्सिस पे ही मोशन शो करेगा। एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से। ये 10 मीटर है, और ये दूरी मान लो 5 मीटर है। और ये दूरी मान लो 10 मीटर है। तो ये दूरी 10 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहां से ओरिजिन से, 15 मीटर, और एक पॉइंट यहां पे है। तो ओरिजिन से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10, 5, 15 और 10, 25 मीटर। और एक ये पॉइंट है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, 5 मीटर। और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, 5 मीटर, और ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, 10 मीटर, और ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, 15 मीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर, ये दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर, और ये दूरी 5, तो ये दूरी भी कितनी आ गई, 5 मीटर। और ये दूरी 5 मीटर ऑलरेडी है, और ये दूरी 10 मीटर है। मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल यहां पे है, टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल इस ए पॉइंट पे है, और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पे है इस बी पॉइंट पे, और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इस सी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल, और टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कुछ यहां पे है ए बी सी, और ये डी पॉइंट है मान लो। और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारा पार्टिकल यहां पे है ई पॉइंट पे, और टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारा पार्टिकल इस एफ पॉइंट पे है, और टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, इस जी पॉइंट पे। मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और वो उसकी रफ्तार कितनी है टी इज इक्वल टू 0 पे, 10 मीटर पर सेकेंड।
इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है और बी पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकंड है और इस सी पॉइंट पे पार्टिकल या टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है और टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है और स्पीड कितनी है टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पे है और इसकी रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारा पार्टिकल f पॉइंट पे आएगा एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे मतलब स्पीड 5 सेकंड पे पार्टिकल की क्या है जीरो और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है और रफ्तार कितनी है मान लो ये रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड तो एक तरह से हमारा पार्टिकल कैसे गया टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है इस एक्स एक्सिस पे बढ़ा है ये ऊपर दिखा रहा हूं मैं टी इक्वल टू 0 पे रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड और रफ्तार बढ़ती गई ए से बी ऐसे चला और फिर बी से सी रफ्तार घटी मतलब चला तो ऐसे ही एक्स एक्सिस पे और 2 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया फिर ये वापिस इस तरफ आएगा ये ऊपर दिखा रहा हूँ और फिर इसकी रफ्तार 0 से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गई और 3 सेकंड पे बढ़ती बढ़ती कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड हमारा पार्टिकल कुछ ऐसे चला है और कुछ ऐसे वापिस आया मतलब यहाँ से ऐसे चला और फिर वापिस यहाँ पे 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुँच गया और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कुछ यहाँ पे पहुंच गया रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए आया रेस्ट पे और फिर वापिस मुड़ लिया इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है हमारा पार्टिकल इसी एक्स एक्सिस पे ये तो ऊपर ऐसे समझाने के लिए है ऐसे गया फिर वापिस आया फिर ऐसे वापिस आएगा और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे g पॉइंट पे पहुंच गया और पार्टिकल की रफ्तार कितनी है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो 0 से 2 सेकंड तक तो पार्टिकल ऐसे चला है इस डायरेक्शन में और 2 सेकंड से 5 सेकंड तक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला है इसी लाइन पे इस डायरेक्शन में और 5 सेकंड से 6 सेकंड तक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला है तो अगर मैं 0 सेकंड पे पार्टिकल की रफ्तार इस तरफ है 10 मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड पे पार्टिकल की रफ्तार इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रेस्ट पे आया है 2 सेकंड पे सी पॉइंट पे फिर वापिस इस तरफ हो लिया फिर 2 सेकंड के बाद में आती है 3 सेकंड तो 3 सेकंड पे पार्टिकल की रफ्तार इस तरफ है 20 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड के बाद में आई 4 सेकंड मतलब पार्टिकल ऐसे इस तरफ मूव करता ई पॉइंट पे पहुंचा और ई पॉइंट पे उसकी रफ्तार कितनी है 10 मीटर पर सेकंड ये दिखा रखी 10 मीटर पर सेकंड और फिर ऐसे पहुंचा एफ पॉइंट पे मतलब 5 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया और फिर इस तरफ मूव करा 6 सेकंड पे पार्टिकल की रफ्तार इस तरफ है इस डायरेक्शन में और रफ्तार कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से इसके वन डायमेंशनल मोशन बोल दो या मोशन ऑन एक्स एक्सिस बोल दो या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इस एग्जांपल की हेल्प से आपको फीलिंग आ जाएगी मोशन ऑन एक्स एक्सिस या वन डायमेंशनल मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें मोशन ऑन एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है इस डायरेक्शन को नेगेटिव ये एक तरह से वेक्टर्स के हवाले से ही है ये चीज वेक्टर्स के हवाले से और जो एक्स होती है वो क्या होती है पोजीशन बोल दो या इंस्टेंटेनियस पोजीशन बोल दो
अगर मैं पोजीशन बोलूंगा तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन समझना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोल दो, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, उस ओरिजिन पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ जो कि इस एक्सिस पे कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोल दो, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट दैट इंस्टेंट। और वी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम, या वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। और एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ये इस एग्जांपल की हेल्प से ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। तो एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ए क्या है? एक्सलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ऐसे ही ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इससे पता चलेगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं हमें, जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मोशन परफॉर्म करेगा तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो जो वी होता है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, और वो ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो हमें पता ही है। मतलब एक्स फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, कुछ टाइम का फंक्शन, जैसे टी स्केयर प्लस वन एग्जाम्पल के तौर पे, टी स्केयर प्लस वन ऐसे कुछ कुछ भी, जैसे कि ई की पावर 3 टी एक्स कुछ ऐसा मिलेगा, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन कुछ ऐसा मिलेगा फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको डिफ्रेंशिएट करके, मतलब यहाँ पे हमें आई कैप जे कैप के कैप के चक्कर में नहीं फंसना है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से ही डायरेक्शंस का पता लग चल जाएगा। तो वी डीएक्स बाई डी टी ए डीवी बाई डी टी, यहाँ पे कुछ आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, केवल ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, और ये वैक्टर्स के हवाले से ही है। चलो इस एग्जाम्पल को डील करते हैं। ये बताओ एट टी इज इक्वल टू 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, ये वेक्टर है, इसको पर वेक्टर नहीं लगा रहा तो भी सोचना ये वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर्स को घसीटना नहीं चाहता, आई कैप जे कैप के कैप को भी घसीटना नहीं चाहता, केवल पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से ही सारा काम करूंगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं पॉजिटिव लूंगा तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल एट टी इज इक्वल टू 0। अब एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, 1 सेकेंड पे यहाँ पे है ना हमारा पार्टिकल और इसी तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी हो जाएगी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। और अब एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इस वेक्टर को ना ही घसीटे तो ही अच्छा है। तो 3 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, अब क्या आएगी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड जब स्टॉप वॉच में टाइम होगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 2 सेकेंड पे देखो हमारा पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, वो रेस्ट पे है उस मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर मोमेंट पे या 2 सेकंड पे रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होगी। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी। 3 सेकंड पे देखो, ऐसे मूव करता करता 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे ऐसे चला था और फिर 3 सेकंड पे यहाँ पे आ गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है और रफ्तार कितनी है या स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस माइनस 20 मीटर पर सेकंड। और एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बताओ अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, 4 सेकंड पे, 3 से 4 सेकंड इसी तरफ मूव करता हुआ आया है ऐसे, और 4 सेकंड पे रफ्तार या स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लूंगा, तो ये कितनी हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड। और एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, मतलब 5 सेकंड एक इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल रेस्ट पे आया है ऐसे मूव करता हुआ, 5 सेकंड जैसे स्टॉपवॉच में टाइम हुआ, एफ पॉइंट पे पहुंचा है एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो हो जाएगी। और एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 5 से 6 सेकंड इस डायरेक्शन में मूव करा है, रफ्तार बढ़ी है 0 से 5 मीटर पर सेकंड, तो 6 सेकंड पे जी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल और रफ्तार इस डायरेक्शन में है मतलब पॉजिटिव, प्लस 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी वेलोसिटी। अब देखता हूं मैं, अभी तो वेलोसिटीज के बारे में जिक्र किया है, अब पोजीशन निकालता हूं, पोजीशंस ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में पोजीशन को क्या लेना है, पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ओरिजिन से ही मेजर की जाएगी पोजीशन, इस डायरेक्शन में होगी मतलब ओरिजिन के लेफ्ट राइट में होगा पार्टिकल हमारा, तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे एट टी इज इक्वल टू 0, इंस्टेंटेनियस पोजीशन या पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताओ टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पे है और यहाँ से कितनी दूर है ओरिजिन से, देखो कितनी दूर है 10, और ओरिजिन के राइट में है तो इसका मतलब पोजीशन हो जाएगी +10। और टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो हमारा पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच गया, वेलोसिटी +20 और पोजीशन कितनी हो जाएगी, अब बी ओरिजिन के राइट में है हमारा, तो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है ये 10, ये 5, ये 15, मतलब +15, ओरिजिन के राइट में पोजीशन को पॉजिटिव लेना है और ओरिजिन के लेफ्ट में पोजीशन को नेगेटिव। और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 2 सेकंड पे हमारा पार्टिकल सी पॉइंट पे है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है और पोजीशन कितनी है 10, 5, 15 और 10 +25, क्योंकि ये राइट में है ओरिजिन के, तो +25 मीटर भी लिख सकते हो यहाँ पे साथ में। और टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ पोजिशन ऑफ दी पार्टिकल, 3 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे, वेलोसिटी तो -20 है लेकिन पोजिशन कितना है अब भी +5, क्योंकि राइट में है ना ओरिजिन पे, तो +5। और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बताओ पोजिशन ऑफ दी पार्टिकल, 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच गया हमारा पार्टिकल, वेलोसिटी तो -10 है लेकिन पोजिशन कितनी है -10, 5 ये 5 ये, -10 मीटर। और टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पोजिशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, 5 सेकंड पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी जीरो है, उस मोमेंट पे रेस्ट पे आया है और ओरिजिन के लेफ्ट में है तो इसलिए पोजिशन नेगेटिव होगी, तो 5 ये 5 ये, 10 और 5 15, मतलब -15 मीटर। और टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, अब पार्टिकल यहां से यहां मूव किया है तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी तो +5 होगी लेकिन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितनी हो जाएगी, -5, क्योंकि अब भी पार्टिकल ओरिजिन के लेफ्ट में है तो ये हो जाएगी -5। अब और कुछ चीजें पढ़ते हैं,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पता लगानी है। अब इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ध्यान रहे जो पोजीशन निकाली है ना ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है पार्टिकल की कहां से ओरिजिन से या ओरिजिन के राइट में होगा तो पार्टिकल पोजीशन को पॉजिटिव लिया जाएगा ओरिजिन के लेफ्ट में होगा तो पोजीशन को नेगेटिव लिया जाएगा तो एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोल दो या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल बी पॉइंट पे था तो पोजीशन होगी +15 मीटर क्योंकि राइट में है। अभी इसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखो ओरिजिन से क्या वही 15 मीटर ही नहीं आएगी +15 क्योंकि टेल ये हेड ये इस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहा हूं अब जैसे 0 से 2 सेकंड का इंटरवल है तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिखूंगा मैं कैपिटल डी से ठीक है अकॉर्डिंग टू वेक्टर ही आएगा ये इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है इस डायरेक्शन को नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे टेल पॉइंट पता होना चाहिए जो कि इनिशियल पॉइंट होगा और हेड पॉइंट फाइनल पॉइंट होगा पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल मोशन में 0 से इस पर्टिकुलर केस में 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 0 ये है और 2 सेकंड ये है टेल पॉइंट ये हो गया हेड पॉइंट ये हो गया तो टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 10 और 5 प्लस 15 टेल ये हेड ये तो इस डायरेक्शन को क्या लिया गया पॉजिटिव 10 और 5 15 तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी +15 मीटर लिख सकते हो। और स्मॉल डी को मैंने डिस्टेंस बोला है कैपिटल डी को डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल डी को डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल 0 से 2 सेकंड के बीच में ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल 0 से 2 सेकंड डिस्टेंस स्मॉल डी से दिखा रहा हूं मैं ये स्केलर क्वांटिटी है ये केवल दूरी कितनी तय की है पार्टिकल ने 0 से 2 सेकंड में इंटरवल में 0 से 2 सेकंड कुछ ऐसे चला आना तो कितनी दूरी तय की है 15 मीटर तय की है। और अब मैं दिखाने जा रहा हूं 1 सेकंड से 3 सेकंड का इंटरवल 1 सेकंड से 3 सेकंड के इंटरवल में देखो अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं मतलब कैपिटल डी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है कुछ ही सवाल से 1 से 3 सेकंड देखो 1 सेकंड तो पार्टिकल बी पॉइंट पे है 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे पार्टिकल डी पॉइंट पे है तो टेल ये हो गया हेड ये हो गया इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये तो डायरेक्शन तो आगे नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नेगेटिव आएगी लेकिन कितनी ये दूरी कितनी है 5 और 5 10 तो ये कितनी आएगी -10 मीटर। और अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विच इज स्मॉल डी विच इज ए स्केलर क्वांटिटी वो भी देख लेते हैं इन 1 सेकंड से 3 सेकंड का जो इंटरवल है ना 2 सेकंड का 1 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे था 2 सेकंड पे यहाँ पे आया तो 10 मीटर तो ये कवर की और फिर ऐसे मूव करता करता 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचा है तो 10 ये 10 ये 20 और ये कितनी है 10 और है तो 30 मीटर कवर किया डिस्टेंस। और अब एक और देख लेते हैं जैसे 4 सेकंड से 5 सेकंड का इंटरवल जो 1 सेकंड का इंटरवल है 4 सेकंड से 5 सेकंड का इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देखते हैं 4 सेकंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे यहाँ पे और 5 सेकंड पे यहाँ पे तो टेल पॉइंट तो ये हो गया हेड ये हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आएगी और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है तो ये दूरी कितनी है 5 तो डिस्प्लेसमेंट आएगी -5
और डिस्टेंस कवर्ड बताओ 4 सेकंड से 5 सेकंड पार्टिकल के द्वारा। तो 4 सेकंड से 5 सेकंड ऐसे चला पार्टिकल, ऊपर दिखा रखा, तो कितना दूरी तय की पार्टिकल ने? 5 मीटर। अब एक और देख लेते हैं, 5 सेकंड से 6 सेकंड, जो 1 सेकंड का इंटरवल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल देखते हैं क्या आएगी। 5 सेकंड पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, एक मोमेंट पे रेस्ट पे, और 6 सेकंड पे यहाँ पे। 5 सेकंड टेल पॉइंट, 6 सेकंड हेड पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, और इस तरफ को पॉजिटिव लिया गया है, और ये दूरी कितनी है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई +10 मीटर। और 5 सेकंड से 6 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल ऐसे ही तो चला है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? 10 मीटर। डिस्टेंस स्मॉल डी से दिखाई गई है, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी से। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कैपिटल डी के सामने मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का यूज किया है, और स्मॉल डी जो कि डिस्टेंस है, इसके सामने मैंने कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया। अब देखते हैं 0 सेकंड से 6 सेकंड की टोटल जो जर्नी है, इसमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या आई? 0 सेकंड टेल पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट, और 6 सेकंड हेड पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी ना, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, और इस डायरेक्शन को क्या लिया? नेगेटिव। और ये दूरी बताओ अब, 10 ये और 5 ये, 10 ये 5 ये, तो ये कितनी होगी? -15 मीटर। और अब बताना है 0 से 6 सेकंड की ये टोटल जो जर्नी है, इसमें कितनी दूरी तय की है पार्टिकल ने, जो कि स्मॉल डी से पता लगेगी। 0 सेकंड में पार्टिकल यहाँ था, ऐसे गया, कितनी दूरी तय की? 15। 5 ये 10 ये 15, और फिर ऐसे आया, 15 15 30, और फिर ऐसे आया 30, और 15 45, स्टॉप वॉच में टाइम हो लिया 3 सेकंड 45, और फिर ऐसे गया, स्टॉप वॉच में टाइम 4 सेकंड हो गया। तो ये दूरी कितनी है? 5 ये और 15 ये, तो 60 होगी यहाँ तक दूरी, और फिर ऐसे गया, 60 और 5 65, और 5 सेकंड टाइम हुआ, अभी वापिस आएगा, 65 और ये 10 75। तो 0 से 6 सेकंड के बीच में एक बार दोबारा चेक करते हैं, 5 ये 10 ये 15 ये होगी, और फिर 15 वापसी में 30, और जब वापस ओरिजिन पे पहुंचा तो 10 ये 40, और फिर यहां पे पहुंचा 15 ये 65, और फिर ये वापस ऐसे पहुंचा 6 सेकंड पे 65 और 10 75, तो ये आएगी डिस्टेंस ट्रेवल टोटल 75 मीटर। 15 ये फिर ऐसे आया 30 15 और 30, 15 15 30 और 10 ये 40, ओरिजिन पे आ गया, और फिर ऐसे गया 40 और 15 65, और फिर वापिस ऐसे आया 65 और 10 75, 75 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे जो मोशन होता पार्टिकल का, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अलग अलग इंस्टेंट पे कैसे निकाली जाती है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन वो कैसे निकाली जाती है इंस्टेंट्स पे, और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक की जाती है, और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितनी कवर की है पार्टिकल ने, ये पता लग गई। तो ये था इस एग्जाम्पल के हवाले से, अगर हमें कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके बारे में पोजीशन का पता लगाना, वेलोसिटी और एक्सलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन यहाँ से तो हम पता लगा नहीं पाए कि भाई उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल्स में जब हम करेंगे ना, वो क्या होगा? डीवी बाई डी टी होगा, और वी डी एक्स बाई डी टी होगा। एक्स क्या है? पोजिशन ऑफ पार्टिकल, जो कि कोण मेजर कर रहा है, ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर, तो एक्स को पोजिशन ऑफ पार्टिकल बोल दो। जब पार्टिकल राइट साइड में होगा तो पोजिशन पॉजिटिव ली जाएगी, लेफ्ट में होगा ओरिजिन के तो पोजिशन नेगेटिव।
एक्स को डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, बात वही आएगी। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किससे पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैंने निकाल रखी है, और पोजिशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस कवर्ड भी। चाहो तो इन इंटरवल्स में एवरेज वेलोसिटी का भी पता लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भाग में टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड का भी पता लगा सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय में टाइम इंटरवल, किसी भी केस में। और जो ग्राफ्स होते हैं, जब हमारा पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन या एक्स एक्सिस पे मोशन शो करता है ना, तभी ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, तभी बन सकते हैं। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है हमारा पार्टिकल, इसी के ऊपर क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा। और ये क्या है, ओरिजिन, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ये क्या है, ओरिजिन। मान लो t इज इक्वल टू टी वन पे, t इज इक्वल टू टी वन पे हमारा पार्टिकल कहाँ है, इस ए पॉइंट पे है, और उसकी पोजीशन क्या है, एक्स वन। और t इज इक्वल टू टी टू पे हमारा पार्टिकल इस बी पॉइंट पे है, और उसकी पोजीशन क्या है, एक्स टू। और t इज इक्वल टू टी थ्री पे हमारा पार्टिकल इस सी पॉइंट पे आ गया, और उसकी पोजीशन क्या है, एक्स थ्री। तो कुछ ऐसे गया हमारा पार्टिकल टी वन से टी टू, ये टी वन इंस्टेंट है, ये टी इज इक्वल टू टी टू इंस्टेंट है, ये टी इज इक्वल टू टी थ्री, तो ऐसे गया कुछ पार्टिकल हमारा। एक मोमेंट के लिए बी पॉइंट पे रेस्ट पे आया, फिर वापिस हो लिया इसी लाइन पे। तो अगर मेरा ग्राफ गिवन हो, किस किस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम, और वो कुछ मान लो कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ये टी इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंट है, और ये टी इज इक्वल टू टी टू इंस्टेंट है, और ये टी इज इक्वल टू टी थ्री इंस्टेंट है। अब मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, ये लिखूंगा। और मान लो ये एरिया अंडर दी कर्व क्या है, ए वन, विच इज पॉजिटिव, और ये एरिया अंडर दी कर्व क्या है, ए टू, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां से dx को क्या लिखूंगा मैं, v डी टी, और v टाइम का फंक्शन है तो इसको मैं बाहर नहीं लिख सकता। t इज इक्वल टू टी वन पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की, t इज इक्वल टू टी वन पे पोजीशन क्या है, एक्स वन। और टी इज इक्वल टू टी टू पे पोजिशन क्या पार्टिकल की, एक्स टू। टी इज इक्वल टू टी टू पे एक मोमेंट पे रेस्ट पे आया, देख लो वेलोसिटी जीरो है, और बी पॉइंट पे रेस्ट पे आया है, और टी इज इक्वल टू टी टू पे पोजिशन तो ओरिजिन से ही मेजर की जाएगी ना, विच इज एक्स टू। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, यूजिंग इंटीग्रेशन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी टी वन टू टी टू। अभी देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन वी डी टी टी वन टू टी टू, क्या ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, विच इज ए वन। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का ही यूज करूंगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, और वी फंक्शन ऑफ टाइम है, और एट टी इज इक्वल टू टी टू पोजिशन क्या है, एक्स टू, एंड टी इज इक्वल टू टी थ्री पोजिशन क्या है, एक्स थ्री, यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स एंड पुटिंग
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी टू टू टी थ्री वी डी टी। इंटीग्रेशन वी डी टी टी टू टू टी थ्री, टी टू टी टू टू टी थ्री इंटीग्रेशन वी डी टी, क्या ये माइनस ऑफ ए टू नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है टी टू से टी थ्री, और ये एरिया क्या है पॉजिटिव, एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या आएगा माइनस ए टू। अब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड 1.2, तो इनको ऐड करूंगा मैं एक्स टू से, तो एक्स टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन बचेगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रेशन टी वन से टी टू वी डी टी प्लस इंटीग्रेशन वी डी टी टी टू टू टी थ्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन वी डी टी टी वन से टी थ्री लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, ये क्या है ए वन और ये चीज क्या है माइनस ए टू, तो ये क्या आ जाएगी ए वन माइनस ए टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किस इंस्टेंट से किस इंस्टेंट तक, इनिशियल इंस्टेंट टी वन है फाइनल इंस्टेंट टी थ्री है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक्स थ्री माइनस एक्स वन आएगी, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, टी वन पे पोजिशन एक्स वन है टी थ्री पे पोजिशन एक्स थ्री है, तो डिस्प्लेसमेंट टी वन से टी थ्री के इंटरवल में क्या आ जाएगी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, यही तो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या आएगी ए वन माइनस ए टू। और ये डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो अगर आप फील करो तो पॉजिटिव है क्योंकि एक्स थ्री बड़ा है एक्स वन छोटा है, तो कुछ पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे भी देख सकते हो ए वन माइनस ए टू भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो ये ए वन एरिया ज्यादा है ए टू एरिया कम है, लेकिन मेरा फाइनली कहने का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर मुझे वी और टी में ग्राफ गिवन हो और मोशन अलोंग या मोशन ऑन एक्स एक्सिस हो, अलोंग नहीं मोशन ऑन एक्स एक्सिस हो पार्टिकल का, और वी और टी में ग्राफ गिवन हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस इंस्टेंट से लेके इस इंस्टेंट तक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आएगी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वो क्या होगा ऊपर वाला एरिया को नीचे वाला एरिया से, नीचे वाले एरिया को ऊपर वाले एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए वन माइनस ए टू, ये ध्यान रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज ए वैक्टर क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से ही आएगी, फ्रॉम टी वन टू टी टू इंस्टेंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, सॉरी टी वन से टी थ्री इंस्टेंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी पार्टिकल की एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वो क्या होगा ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। लेकिन अब मुझे पता लगानी है वन से मतलब टी वन से टी थ्री के बीच में कितनी दूरी तय की है पार्टिकल ने, ये तो डिस्प्लेसमेंट पता लगाई थी कि ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टी थ्री माइनस टी वन इंटरवल, मतलब यहाँ की पोजिशन विच इज एक्स थ्री माइनस यहाँ की पोजिशन विच इज एक्स वन, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो होती है पार्टिकल की, वो आ जाएगा ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, वो ड्राइव किया था अभी हमने। लेकिन अब मुझे क्या पता लगाना है व्हाट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल विच इज ए स्केलर क्वांटिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी वन टू टी इज इक्वल टू टी थ्री इंस्टेंट। अब सोचो टी वन पे पार्टिकल यहाँ पे था और ऐसे चलता चलता टी टू पे यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ पे ऐसे वापस आ गया टी थ्री इंस्टेंट पे,
तो ये दूरी तो क्या है T1, और ये दूरी मान लो D2 है, ये दूरी D1 है और ये दूरी D2 है, तो कितनी दूरी तय की? D1, फिर वापिस भी तो आया है, प्लस D2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 डिस्टेंस टोटल इतनी दूरी तय की है। अब देखो इस D1 को मैं क्या लिख सकता हूं, D1 को क्या लिख सकता हूं मैं? X2 माइनस X1 लिख सकता हूं, और X2 माइनस X1 क्या आया था मेरे पास? इंटीग्रेशन V dt T1 से T2, यही तो आया था पीछे, इसका यूज करते हुए V इज इक्वल टू dx बाई dt, जो कि होता भी है, तो dx इज इक्वल टू V dt, और T इज इक्वल टू T1 पे पोजीशन X1 है, T इज इक्वल टू T2 पे पोजीशन X2 है, तो X2 माइनस X1 क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन V dt T1 से T2, और ये क्या होता है? दिस एरिया T1 से T2 इंटीग्रेशन V का, दिस एरिया A1, तो D1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम T1 से T2 टाइम इंटरवल विच इज D1, एंड दिस इज X2 माइनस X1, और X2 माइनस X1 क्या आया? A1। और ऐसे ही D2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन T2 से T3 इंटरवल, D1 तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है T1 से T2 इंटरवल, और D2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड है T2 टू T3 इंटरवल, तो D2 क्या आ जाएगा? अब देखो D2 को क्या लिखूंगा मैं, X2 माइनस X3, ऐसे ही तो लिखूंगा, X2 ज्यादा है X3 कम है, तो X2 माइनस X3 लिखूंगा, और V इज इक्वल टू dx बाई dt का अगेन यूज करते हुए, dx इज इक्वल टू V dt एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एट T इज इक्वल टू T2, पोजीशन क्या है? X2, T इज इक्वल टू T3 पे पोजीशन X3 है, तो X3 माइनस X2 कितना आ गया? इंटीग्रेशन V dt T2 टू T3, और ये कितना आएगा? दिस एरिया, दिस नेगेटिव एरिया माइनस A2, क्योंकि यहाँ पे T2 से T3 इंटीग्रेशन V dt माइनस ऑफ दिस एरिया आएगा ना, क्योंकि T2 से T3 वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव, T2 से T3 हमारा पार्टिकल B से C की तरफ चले है ना, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो यह वैल्यू क्या आएगी? माइनस A2, तो X2 माइनस X3 क्या आ जाएगा? प्लस A2, X3 माइनस X2 माइनस A2 है अगर, तो X2 माइनस X3 क्या आ जाएगी? प्लस A2, तो टोटल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस इंटरवल में? T1 से T3 के इंटरवल में, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है बिल्कुल, कितना आ गया? D1 प्लस D2, और D1 कितना आया? दिस एरिया A1, D1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और D2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या ही है? दिस एरिया अंडर दी कर्व विच इज A2, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी D1 प्लस D2 इन इंटरवल T1 से T3 का जो इंटरवल है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल जब v वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन हो और मोशन ऑन x एक्सिस हो, और तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन हो, तो T1 से T3 के इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा पार्टिकल? दिस एरिया A1 प्लस दिस एरिया A2, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? A1 माइनस A2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, जो दोनों ड्राइव किए हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस,
T1 to T3 जो डिस्प्लेसमेंट आएगी पार्टिकल की वो क्या होगी, X3 माइनस X1, और वो क्या होगी इंटीग्रेशन V dt T1 से T3। तो मैंने इसको कैसे तोड़ दिया था, T1 से T2 इंटीग्रेशन V dt प्लस T2 to T3 इंटीग्रेशन V dt। तो ये क्या आ गया, ये A1 है और ये -A2 है, तो ये आ गया A1 माइनस A2, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो ये तो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब T1 से T3 के इंटरवल में ही पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विच इज D1 प्लस D2, वो क्या आएगी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन T1 से T2 VdT। ये तो D1 की वैल्यू आई थी विच इज X2 माइनस X1। D1 देखो क्या X2 माइनस X1 नहीं है, तो X2 माइनस X1 की वैल्यू यही आई थी। और D2 देखो, D2 क्या है, D2 X2 माइनस X3, और X2 माइनस X3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V dt T2 से T3। इसकी वैल्यू क्या है, A1, और इसकी वैल्यू -A2 और आगे माइनस, तो ये +A2 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये दूरी तय जो की गई है विच इज स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है डिस्प्लेसमेंट जब हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मोशन शो करे, और वी और टी में ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव हो जाती है। जब ए से बी पॉइंट जा रही है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, कम पॉजिटिव होती जा रही है, बी पॉइंट पे रेस्ट पे आ गई एक मोमेंट के लिए, फिर वापस मुड़ी, फिर बी से सी की तरफ इसकी वेलोसिटी मोर नेगेटिव होती गई। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये मोशन ऑन एक्स एक्सिस जब पार्टिकल शो करता है, और वी और टी में या वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ गिवन हो, अब देखो एक्सलरेशन और टाइम में जब ग्राफ गिवन हो, एक्सलरेशन एंड टाइम, एक्सलरेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, और मोशन ऑन एक्स एक्सिस पे ही पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में, ये T इज इक्वल टू T1 इंस्टेंट है, ये T इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट है, ये T इज इक्वल टू T3 इंस्टेंट है, में भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव मोशन ऑन एक्स एक्सिस जो है पार्टिकल। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखता हूँ, dv/dt, जब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल का मोशन हो रहा हो तो एक्सेलरेशन dv/dt v dx/dt। एक्स होती है पोजिशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, वी होती है वेलोसिटी विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव कब होती है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, और वी नेगेटिव कब होता है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो। तो इसका यूज करूंगा तो dv क्या आ जाएगा, adt, a को मैं बाहर नहीं लिख सकता और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्यों बाहर नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। अगर एग्जांपल के तौर पे दूं कुछ कैसा हो सकता है, t²-1, ये तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे t²-1 हो सकता है, t+1 हो सकता है, तो कुछ ऐसा होगा विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एट एन इंस्टेंट। तो t इज इक्वल टू T1 पे बताओ वेलोसिटी क्या है, V1, एट t इज इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, V1, और एट t इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, V2, और एट t इज इक्वल टू T3 इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, V3। और इसका यूज करूंगा T इज इक्वल टू T1 पे V1 वेलोसिटी, T इज इक्वल टू T2 पे वेलोसिटी V2,
अब इन दोनों को क्या करो, इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt t1 से t2। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और इसी का यूज करूंगा dv इज इक्वल टू a dt एट t इज इक्वल टू t2 पे वेलोसिटी क्या है v2, t इज इक्वल टू t3 पे वेलोसिटी v3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt t2 से t3। अब ये बताओ इंटीग्रेशन a dt t1 से t2, ए और टी में ग्राफ गिवन है इंटीग्रेशन a dt t1 से t2, तो क्या ये a1 एरिया नहीं आ जाएगा, और इंटीग्रेशन a dt t2 से t3, अगर ये एरिया अंडर दी करो a1 है विच इज पॉजिटिव, और ये एरिया अंडर दी करो क्या है a2 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इंटीग्रेशन a dt t1 से t2, क्योंकि यहाँ पे t1 से t2 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, प्लस a1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और यहाँ पे देखो t2 से t3 एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो t2 से t3 इंटीग्रेशन a dt ये क्या आ जाएगा, माइनस a2। ये तो इन रियलिटी एरिया है ये विच इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये। अब क्या करें, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, तो यहां पे देखो प्लस v2 यहां पे माइनस v2 कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, यहां पे v3 और यहां पे माइनस v1, तो v3 माइनस v1 क्या आ गया, इंटीग्रेशन t1 से t2 a dt प्लस t2 से t3 a dt, और ये क्या है a1, और ये क्या है माइनस a2। देख लो ये वैल्यू a1 है, ये माइनस a2 है, तो v3 माइनस v1 क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ऊपर वाले को देखो दिस प्लस दिस, ये क्या है इंटीग्रेशन a dt t1 से t3, और इसको क्या लिख सकता हूं, a1 माइनस a2 भी लिख सकता हूं, और v3 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, t1 इंस्टेंट से t3 इंस्टेंट के जो बीच में जो इंटरवल है t3 माइनस t1 इंटरवल, इस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, t1 तो इनिशियल इंस्टेंट है, t3 फाइनल इंस्टेंट है, और t1 इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है v1, t3 इंस्टेंट पे वेलोसिटी v3, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन a dt t1 से t3, और वो क्या आ जाएगी, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, अगर a और t में ग्राफ गिवन है और x एक्सिस पे किसी पार्टिकल का मोशन शो रहा है, कोई पार्टिकल x एक्सिस पे मोशन शो कर रहा है और उसके एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो चेंज इन वेलोसिटी v3 माइनस v1, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v3, t1 इंस्टेंट पे v1, तो v3 माइनस v1 क्या हो जाएगी, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे।